मंगलम भगवान दंति मंगलम शिवध्वजा मंगलम पार्वती पुत्रा मंगलाय तनुगणास्त्र मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान पार्वती दिखाई मैं पकड़ता हूँ मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनाभा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्यात् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। पदे पदे परिपूजकेभ्यः सद्यो स्वमेधात्वपदं लभाम तं सार्वपापाक्षय हेतु भूताम् क्षम्यताम् परमेश्वर मन्त्रहीनम् क्रियाहीनम् भक्तिहीनम् सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। ये लो आप लगाओ चलो गणपति जी को लगाओ। हां गणपति बाप्पा मोरिया। इसकी बात तो नहीं है ना, बाहर नहीं जाना, दरवाजा नहीं संभालना, दो मिनट के लिए बंद कर दो दरवाजा। बंद करो बच्चा बाहर बाहर शुभ लाभ यश लक्ष्मी भोग लक्ष्मी काम लक्ष्मी व्यापार लक्ष्मी सिद्ध लक्ष्मी शुभ लक्ष्मी इनके साथ गणपति जी मूल रूप से हमारे घर में हमारे कार्यक्षेत्र में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे एवं स्थूल रूप से अपने मूल स्थान पर प्रस्थान करें याम तु देवगणा सर्वे पूजा मालाय माम कृष्ण काम सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च भगवान पर चावल छोड़ी गणपति गजानंद महाराज की जय। सिद्धि विनायक देव की जय। भक्त विनायक देव की जय। गणपति बाप्पा प्रणाम कर लीजिए आप। खाना खाएंगे बड़े हो जाओगे। Eat properly.
Ganpati Bappa Mangal Murti Sanjay Ganpati Bappa Ramji chala raha hai gaadi aap chala rahe ho to wahan se Arjun ko hataiye wahan baithunga main Ganpati Bappa Ganpati Bappa Ganpati Bappa! Ganpati Bappa!
Mangalamurti. Free hoy to nashta karne ke liye aana. Thank you. विवेक जी कैसा लग रहा है? पापा जब आते तो खुशी तो बहुत होती है, लेकिन जब जाते तो थोड़ा बहुत कम भी होता है, तो आज के बाद क्या कहना चाहेंगे? हाँ, खाली खालीपन सा महसूस होता है, क्योंकि एक रूटीन सा बन जाता है घर में, रोज रौनक फैल जाती है, सुबह शाम आरती होती है, सारे परिवार वाले मिल जाते हैं, घर की सारी लेडीज़ बच्चे वगैरह सब इंडियन कपड़ों में नज़र आते हैं, तो उसका एक अलग माहौल, एक रौनक फैल जाती है। और 5 दिन के बाद आज पप्पा हमारे घर से जा रहे हैं, लेकिन हम यही उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे साथ साल भर रहें और अगले साल जल्दी आएँ, हमारे दिल में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। उनका आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ। बिल्कुल। ये बताइए कि पिछले साल से इस साल में कुछ आपने कुछ बदलाव देखा, कुछ फर्क देखा है, मतलब सेलिब्रेशंस में हो गया है? हाँ, मुझे लग रहा है कि इस साल और जोर शोर से मनाया जा रहा है गणपति, और बहुत मज़ा आ रहा है इस बात को देखकर, क्योंकि एक पूरे मुंबई शहर में, खासकर देश भर में होता है, लेकिन मुंबई शहर को तो बिल्कुल गणपति सेलिब्रेशन का एक महोत्सव मनाया जाता है, तो यहाँ पर वो देखकर बड़ी खुशी हो रही है। और बस इतना ही है, हर साल मैं लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ, यही गुजारिश करता हूँ कि गणपति जी जब हम मनाते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं, तो दो चीज़ें, एक तो सेलिब्रेशन में एनवायरमेंटली फ्रेंडली रखिए, क्योंकि जितने टॉक्सिक पेंट्स हम डालते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणपति होते हैं, वो पर्यावरण को काफ़ी नष्ट करते हैं, और समुद्र के जितने प्राणी हैं उनकी हेल्थ को बहुत ख़राब करते हैं, ऑल आर सी क्रीचर्स, दे गेट वेरी बैडली अफेक्टेड। एंड दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम मिठाइयाँ इतने रखते हैं, हमारे गेस्ट मेहमान फ्रेंड्स इतने ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ एक निस्वार्थ भाव से गरीब लोगों के लिए उनका अगर खाना हो जाए, उनका अगर पूजन हो जाए, उनको अगर कुछ खिला पिला दिया जाए, उनका पेट भर जाए गणपति के इन दिनों में, तो दुगना मज़ा आ जाए। तो इस बार विघ्न हटा से कौन से विघ्न हरने की प्रार्थना की है? मैंने वैसे तो कोई विघ्न नज़र नहीं आ रहे, लाइफ बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया चल रही है, बस विघ्नहर्ता से ये प्रार्थना की है कि वन फाउंडेशन के तहत हम लोग काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं इस साल, और बहुत बड़े हमारे US UK में फंड रेजर्स और प्रोग्राम्स तय हुए हैं, तो बस विघ्नहर्ता से यही प्रार्थना है कि उसमें हमें पूरा सपोर्ट दे, पूरा समर्थन दे, और जितना बड़ा उनका पेट है उतना ही बड़ा उनके भक्तों का दिल हो, और लोग आएँ और हमसे जुड़कर अच्छे काम में हमारी समर्थन करें, हमारी मदद करें। सर, आपके फाउंडेशन के जो बच्चे हैं उन्होंने भी मतलब गणेश चतुर्थी आपने उनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, हम हर साल वहाँ पे मनवाते हैं, जहाँ जहाँ हमारे स्कूल्स हैं वृंदावन में वहाँ पे मनाया जाता है, यहाँ मुंबई में भी अगले साल से जहाँ पे हमारा सेंटर तैयार हो जाएगा, तो हम बड़े वे में गणपति जी को वहाँ पे भी मनाएंगे सब बच्चों के साथ। हाँ, बहुत दुख हुआ देखकर, इतना सूखा है, पानी की इतनी दिक्कत है, इतनी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ मुंबई में, अगर 2 दिन नहाने के लिए पानी ठीक से नहीं आ जाए तो हमें तकलीफ़ हो जाती है, वहाँ पे लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, खेत की सिंचाई करने के लिए पानी नहीं है, अपने जीवन के लिए पानी नहीं है, तो बहुत बुरा लगता है, और ऊपर वाले से प्रार्थना यही है कि खूब बारिश हो और समय पर हो, और हमारे किसान भाइयों की मदद हो। थैंक यू सर।